नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं हूं कुलदीप सिंह रावत और आप देख रहे हैं पहाड़ों का राई चैनल। और आज बात करते हैं पहाड़ों में स्वरोजगार की। आपको पता है कि पहाड़ों में बड़ी समस्या है, लोग बाग नौकरी चाकरी के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन पहाड़ों में बहुत सारे ऐसे रोज़गार हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बाग होते हुए भी नहीं करना चाहते हैं। और ऐसी एक रोज़गार है, एक स्वरोजगार कहिए आप, चाहे इसको एक रोज़गार भी कह सकते हैं, एक नौकरी भी कह सकते हैं, काम भी कह सकते हैं, वो है काम मिस्त्री का। पहाड़ों में मिस्त्री मिलना बहुत बड़ी समस्या है इस समय पे। हमारे साथ एक राजमिस्त्री जी हैं, श्री दर्शन सिंह जी, जो यहाँ पे मिस्त्री का कार्य करते हैं और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं डिटेल में कि क्या समस्या है पहाड़ों में और क्यों लोग बाग ये काम करना नहीं चाहते। सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत आप अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, गांव का नाम सब चीज़ है ना। मैं हमारा गांव का नाम खटेड़ा वल्ला, और आजकल के बच्चे काम नहीं करना चाहते हैं घर में, उनको चाहिए प्लेन का एरिया। और आप तो इसके बाद अब ऊपर से नीचे से ऊपर आने लग गए, तो हो सकता है आप काम करेंगे और काम सीखेंगे भी। बहुत से जने घर आ गए अब लौंडे मंडे नौकरी वोकरी छोड़ के, काम मेहनत, और ये मेहनत का काम है। तो अगर सीख जाएंगे काम तो करेंगे, काम क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो आप कितने साल से काम कर रहे हैं आप? हमें इस काम को करते हुए कम से कम 18-20 साल हो गए। और काम हमेशा कभी खाली भी नहीं रहते हैं, काम हमेशा मिलता रहता है। ठीक। तो ये इससे पहले क्या करते थे आप? पहले हम ऐसे लेबर का काम करते थे, मतलब एक्सपीरियंस ऐसे सीखते 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 अपने मिस्त्रियों के साथ काम सीख लिया। हाँ। फिर हमने कहा हमें भी सिखाओ अपने साथ, फिर उनसे हमने काम सीख लिया। हाँ। और अब हम अपने आप ही मकान बनाने का काम खुद ही करते हैं। ठीक। तो इसमें मतलब कितने तक एवरेज आप मंथली कमा लेते हो, कितना लगभग जो है मंथली? हाँ, काम पे बात है वो। हाँ, मतलब परिवार ठीक ढंग से पल रहा है, पल रहा है। हाँ, तो बहुत बच्चों के नाम पे भी रख रहे हैं, रख रहे हैं, जमा सेविंग वगैरह हो रही है। किसी के लिए कर्जा वर्जा भी नहीं मांग रहे हैं, अपने ही पैसों से कोई कार्य कर रहे हैं, लड़कों की शादी, बच्चों की शादी, उन्हें थोड़ा बहुत पैसा चाहिए उनको भी देते हैं। और लड़का हमारा एक है, थोड़ा बहुत उसके नाम पे भी है, अपना गुजारा अच्छे ढंग से चल रहा है। और हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जो यहाँ पे अभी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और आइए इनसे भी पूछते हैं कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। नाम? नाम कुंदन सिंह। थोड़ा सीधा बंद कर जाओ आवाज, इस नाम है, क्या नाम है? कुंदन सिंह यार। कितने साल से काम कर रहे हो आप? काम करते करते तो हो गए 40-45 है। अच्छा, थोड़े बंदिश कर दो आवाज में। और ये जो रोजी रोटी का साधन यही है? हाँ, बस यही है, यही है। हाँ, कभी डिमांड ज्यादा रहती है। और मेरे साथ एक और व्यक्ति है जो यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने टाइम। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? जीवानंद। कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हो? 22 साल हो गए। 22 साल है। हाँ। तो यही रोजी रोटी का साधन है या इसके अलावा भी कुछ करते हो? और काम भी है, पंडितगिरी थोड़ा बहुत है ना। हाँ। अच्छा अच्छा, तो इसमें मतलब कितना तक कमा लेते हो एवरेज, थोड़ा मंथली जो है कुछ कमाई धमाई ठीक ठाक हो जाती है पेड़ पाल? 9,000 महीना वाला। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया। तो काम मिलता रहता है या? हाँ, लगातार मिलता रहता है। लगातार मिलता रहता है ना। हाँ। चलो बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। तो बच्चों के लिए सब गुजारा? हाँ, सब पूरा गुजारा हो जाता। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे हमारे 4 लड़कियां हैं, एक लड़का है। और लड़की शादी हो गई? नहीं नहीं, अभी 2 लड़कियां रह गई, 2 लड़कियों की शादी हो गई। हाँ हाँ। और लड़का कॉलेज करता है देहरादून। तो आपने कोई अपने साथ साथ में कोई टीम बनाई है कि इतने हमारे साथ लेबर भी रहेंगे या कोई भी? आप टीम नहीं बना रहे, क्या होता है तो बनाते हैं टीम। तो लेबर वगैरह तो लेबर मिलने में दिक्कत होती है? मतलब कभी कभी हो जाती है लेबर मिलने में दिक्कत। हाँ। ऐसा लग रहा है कि अब नहीं होगा। हाँ। लेबर मिलने में दिक्कत अब नहीं होगा, जब से ये कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस से हाँ अब काफ़ी लड़के घर आ गए।
तो अपना काम छोड़ छाड़ तो लोग बाग करना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि ये काम तो ऐसा, देखिए आप शहरों में जाएंगे तो वहाँ अलग से लेबर चौक बने होते हैं, एक से वहाँ पे आप जाओगे एक से काम, है ना। तो ये ऐसा तो है नहीं कि हम भीख मांग रहे हैं, ये तो इज्जत वाला काम है, आप मेहनत करके कमा रहे हो। तो मतलब क्यों लोग बाग ये काम नहीं करना चाह रहे पहाड़ों में खासकर, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? जबकि वो मैंने देखा मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी करने को तैयार है, लेकिन जो है इन चीज़ों के लिए मिस्त्री वगैरह और लेबर वगैरह ढूंढने में बड़ी समस्या आती है। तो क्या आपको लगता है मुख्य समस्या क्या है? आप तो आप करेंगे, आप काम करेंगे, आप हाँ हर एक लड़का काम करेगा आप, मगर काम का तो आप माँ बाप भी ऐसे घर बैठ के थोड़ी देगा किसी को। बिल्कुल बिल्कुल, अपना ये लड़का है तो उसके लिए तो बोलेगा कि कुछ कर भाई, कुछ कर, बिल्कुल बिल्कुल, खा लेने के क्या फायदा है। ठीक ठीक, आप तो खुद ही भी सोच रहे हैं बच्चे कि आप खाली नहीं रहना है घर में, काम कर रहे हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे इधर रोड पे काम के लिए बोला किसी ने तो सब चले गए लोग। बिल्कुल बिल्कुल, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी ये लेंटर डल रहा है, मिस्त्री जी यहाँ पे निरंतर लगे हुए हैं सुबह से, यहाँ पे और भी लोग साथ में निरंतर कार्य कर रहे हैं नीचे देखिए आप, और सुबह से यहाँ पे निरंतर प्रयास जारी है। आज ये किचन का कार्य हो रहा है, यहाँ पे किचन को दोबारा रिफर्निश किया जा रहा है, और सुबह से लगे हुए मिस्त्री जी भी प्रयास करने का अच्छे तरीके से फिनिशिंग देने का। तो ज़रूरत है पहाड़ों में इस तरीके से जो कार्य हैं, चाहे मिस्त्री से लेके कोई भी कार्य हो, उनको अच्छे लेवल पर ले जाने की, उनको प्रोत्साहित करने की, और मेरा प्रयास निरंतर जारी है पहाड़ों में स्वरोजगार को आगे ले जाने की। तो आप मेरे चैनल से साथ जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।